पास से अपनी ट्रिप हो रही है स्टार्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं घर से मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए, और साथ में ये भाई भी अपने संदीप भाई और दो दोस्त और आ रहे हैं सीहोर, मिल लेंगे हम लोग। अभी दर्शन करते हैं माता जी के और निकलते हैं उज्जैन के लिए। दर्शन कर लिए हैं, दादी भी हमारी मंदिर में बैठी हुई है, दादी के पैर भी पढ़ लेता हूँ। जा रही हो जी? मैं हाँ दिवाली तक आऊंगा, पैसे बचा के रख दे हमारा। तो वक्त हो गया, हम लोगों का पैकिंग हो चुकी है, भाई लोग भी आ चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी वहाँ टाटा करने के लिए आ चुके हैं, जा रहे हैं। जय श्री आराम सभी को, मिलते हैं जल्दी, आते हैं 10-11 दिन के बाद सबसे मिलते हैं, अपने सामान लेके आएंगे मस्त। जी के पढ़ लिए मैंने, बाय 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 बाय। निकलते हैं ये भाई, इतना भयंकर बैग भर रखा भाई, 15-20 किलो का। एक जोड़ी दरबान रखे, एक पेन रखे, भाई के चप्पल वगैरह रखी है, जगह बिल्कुल नहीं बची है, फिर भी निकल रहे हैं धीरे धीरे लेकर। मिलते हैं आपको उज्जैन में। बैग देखो भाई कितने खतरनाक बैग डाल रखे हैं भाई, खतरनाक पता नहीं पोछेंगे कि नहीं लेके, पर भर के तो सब कुछ लाया भाई, ठंड के गर्मी के सब कुछ लाया है। अभी पहले हम लोगों को जाना उज्जैन और अपने सीहोर रेलवे स्टेशन पे, पहले महाकाल के दर्शन करते हैं, फिर केदारनाथ के दर्शन करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो भाई, 10 दिन तक फुल मजे आने वाले हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, केशी धाम, मथुरा, वृंदावन, बहुत सी जगह आप लोगों के लिए प्लान कर रखी है। ऐसा ट्रेन आ चुकी है और हम लोग भी निकल लिए हैं याली में निकलने। मतला देना भाई कौन सा याली में चलना, तो हम मिलते हैं भाई उज्जैन में। दो लोग तो आए नहीं, वो हम लोगों को उज्जैन में मिलेंगे, हम लोग इसमें बैठ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं, बैठे नहीं है, बैठे नहीं है, जा रहे हैं भाई जहाँ पे जो मिल जाए। उतर चुके हैं भाई अभी जस्ट ट्रेन से उज्जैन, महाकाल सबसे पहले दर्शन करेंगे, जिसके बाद निकलेंगे, शाम को ट्रेन है केदारनाथ के लिए, फिर चलते हैं। तो पहले अभी महाकाल के दर्शन कर लें, ये अपने स्टेशन भाई उज्जैन के, बिना टिकट के हम लोग पहुँच चुके हैं। तो भाई को देखो भाई कैसे बैग ले लेके चढ़े हुए हैं, पहले पहुँचते हैं रामघाट, नहाते हैं, फिर जाते हैं महाकाल के दर्शन करने। और आज पूरा उज्जैन का व्लॉग होने वाला है, तो अगले दिन से अपन हरिद्वार का करेंगे कंटिन्यू। दोनों भाई रामघाट पर पहुँच चुके हैं मस्त, अब यहाँ पे स्नान करते हैं और फिर जाते हैं महाकाल के दर्शन करने। तो भाई थोड़ा सा भोजन लग रहा है और हम सुबह के नहाए भी नहीं हैं, क्योंकि छाया दिख गई अभी हमें, यहाँ पे छाया में कपड़े वगैरह लगेंगे और यहीं भी डुबकी लगाएंगे और निकल जाएंगे महाकाल के दर्शन करने। मैंने भाई अभी स्नान कर लिया है सिपरा नदी में, अभी रेडी होके हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। पहले महाकाल लोग घूमेंगे, फिर महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे। भाई रेडी होके कम्प्लीट खड़े हुए, बस मैं रेडी होके फटाक से कम्प्लीट होके निकलते हैं। फिर हम लोग भाई प्रसाद वगैरह ले लिया है, हमारे बैग वगैरह सब रख दिए एक दुकान पे भाई, 100 रुपये में हम लोगों को प्रसाद मिला, और अभी जा रहे हैं महाकाल की तरफ दर्शन के लिए। ये है यहाँ का मेन जो अभी काम चल रहा है रोड, पहले जब मैं आ रहा था सही था, अभी तो थोड़ा सा काम चल रहा है। चारों तो चारों भाई लोग हम लोग मिल चुके हैं, दोनों आ चुके हैं, इनकी ट्रेन छूट गई थी, हम लोगों को अभी आके मिल गए, इनने दर्शन वगैरह किए नहीं है, अब साथ में करेंगे सारे लोग। महाकाल लोग बन रहा है, अब देख रहे होंगे महाकाल के दर्शन करने जाने हैं वहाँ पे, ये पूरा बन रहा है भाई, अभी काम चल रहा है क्योंकि रफ्तार से भाई, जब भी आ थोड़ा समय लेके आना, क्योंकि अभी तो भीड़ कम है, अभी तो भीड़ बहुत कम है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराब है भाई, मोबाइल चेकिंग चल रहे हैं, और यहाँ से पता नहीं अंदर मोबाइल ले जाने देंगे कि नहीं, यहीं से बंद करता हूँ, आगे मिलता हूँ। चल रहा है काम भाई, जोरों शोरों से काम चल रहा है, नया बन रहा है एक और, देखो कितना खतरनाक काम चल रहा हुआ है। अब पता नहीं यहाँ से घूम के कहाँ तक निकलेंगे, पर अभी बहुत भयंकर काम चल रहा है महाकाल में, तो भाई उज्जैन में तरक्की तो बहुत है, जोर शोरों से काम और कोड़े पोटे उठ रहा सब जगह, देख रहा कितनी कितनी वो हो रखी है भाई, मिट्टी धूल सीमेंट सब सब चिपक रही है, और बन अच्छा तगड़ा रिया भाई, ये जो मस्त बन के निकले रहे कुछ समय का भाई, मतलब कुछ समय में मस्त हो जाएंगे, हाँ एक नंबर काम हो जाएगा। लोगों ने दर्शन कर लिए भाई, बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत अच्छे से, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, पर भाई सेम चीजें चल रही है भाई, पैसे लेके दर्शन अच्छे खासे हो रहे हैं, बस पैसे इतने हैं नहीं जो दर्शन कर सके इतने अच्छे से। तो दूर से दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं अभी बाहर महाकाल मंदिर के सामने, यहाँ पे फोटो वीडियो लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, और पूरा मंदिर कोशिश होगी भाई, पूरा मंदिर घुमाएंगे अपन। ये है यहाँ का मंदिर, आप देख लो
जो लोग आए हो नहीं आए हो भाई दर्शन कर लो महाकाल के। ये हैं छोटे छोटे से मंदिर, यहाँ पे दर्शन वगैरह कर सकते हो। मोबाइल तो अलाउ है नहीं, अपन तो फिर भी चला रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं भाई महाकाल लोक के अंदर, एंटर हो चुके हैं भाई। यहीं पे 200-250 करोड़ का हुआ था काम। यहाँ पे आप जो देख रहे हो मूर्ति वगैरह भगवानों की, यही है। और भी आगे और भी घुमाता हूँ, छोटी छोटी सी क्लिपें आएंगी, ज़्यादा बड़बड़ी नहीं है भाई, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आएगी आप लोग देखोगे ही नहीं, पसंद ही नहीं करोगे। ये आगे भी हैं हमारे महाराज, आगे जूते पहन लें फिर आप लोगों से मिलते हैं भाई। तबीयत से मंदिर पर दर्शन तो कर लिए महाकाल के, महाकाल लोग घूम रहे हैं मस्त। अभी ये भी यहाँ पे भी काम चल रहा है नदी में, देख रहे होंगे वहाँ पे काम चल रहा है, पूरे मंदिर पे काम चल रहा है भाई वो तो। ये यहाँ यक्ष मेन दरवाजा, यहाँ से प्रवेश करते हुए अंदर की ओर, जूते चप्पल इधर की इधर छोड़ने पड़ते हैं, यहाँ से अंदर हो जाते हैं। इस बार तो वैसे बहुत जल्दी दर्शन हो गए, आधे एक घंटे के अंदर दर्शन हो गए हमारे लोगों के। पहले जूते पहन लें फिर मिलते हैं आप लोगों से। जय श्री महाकाल। तो हो जाता भाई यहाँ का मेन गेट स्टार्ट महाकाल लोक का, यहाँ से पूरा आप घूम सकते हो। ये स्टार्टिंग है, ये मेन गेट है मेरे सामने, ये देख रहे हो जो वो स्टार्टिंग में महाकाल की मूर्ति लगी हुई है भाई। मैं अपोजिट साइड में हूँ भाई, बैक साइड में हूँ, आपको आगे भी जाके दिखलाऊंगा, उधर भी जाने वाले हैं हम लोग। सूरज आज बहुत तेज तप रहा है भाई। ये है, धीरे धीरे करते हैं भाई, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा ताकत है नहीं, अपने एक ही फ़ोन है अपने पास, पूरे ग्रुप में जो थोड़ा भाई फोटो ले लेता और वीडियो भी निकाल लेता। यही है अभी तक, यहाँ पे देखो पानी वगैरह का फुब्बारे वगैरह चालू हुए नहीं है, बाकी शाम तक में हो जाते हैं, 6-7 बजे तक हो जाते हैं। आप लोग कभी आओ तो नाइट में जरूर स्टे करें भाई, यहाँ पे बहुत सही माहौल मिलने वाला आपको अगर नाइट में आप लोग रुकते हो तो। छोटे बन गए भाई, भाई तू खिसक पाएगा इसमें? नहीं खिसक पाएगा, चढ़ तो गया तू, अपनी अपनी जगह संभाल ली तुम लोगों ने भाई। मैं तो आराम से यही ठीक हूँ। अरे सही है, अब पेड़ मुड़े अपने लायक नहीं है ये जगह। एक और बार चल, एक और तेज सही तो छोटू खिसक रही है, छोटू तेज तो बहुत सही खिसक रही है भाई, तेज झूले लो, तुमसे हल ही नहीं दिया। चल खिसक सही भाई, तूने कुछ गिला दिया, कंगर गिर रहे तेरे पास के बेटा। अब भी हाल तुम्हारा चालन कट जाएगा, मत करो, देखो तुम्हारे आपका नहीं है झूला, समझो। हाँ यार तुम बुड्ढे बुड्ढे झूल रहे हो, आधी उम्र के अधेड़ उम्र के बुड्ढे उन, आओ इधर। हाँ यार समझो थोड़ा सा। ये है महाकाल लोक, यहाँ अपने रावण वाला सीन निकला देते हैं पीछे, मतलब वैसे ही मेरे को पता नहीं यहाँ का। ये देखो कितना सही है। हाँ भाई मजे कितने आ रहे हैं इसमें, मजे तो बहुत आते हैं, अभी तो हम बच्चे ही हैं ना। तुम मजे पे आओ, छोटे और बड़े मत जाओ, मजा सबका एक जैसा है ना। पता मुड़ रही है ये होता, फालतू काम पे जाओ छोटी सी। ये है भाई महाकाल लोक, वो मजेदार और भी बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा है, दिखाऊंगा और जाते जाते कहाँ पे क्या है। बने रहिए वीडियो में बिल्कुल, 10-12 दिन फुल मजे आने वाले, सब मिलने वाला, ठंडा गरम मीठा खट्टा सब मिलेगा, सभी मिलने वाला भाई। बस बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट दबा के करो। पता नहीं माहौल कैसा दिख रहा, पर अभी सनलाइट जो आ रही है ना वहाँ से तो माहौल सही नहीं दिख पा रहा। रावण जैसे लग रही है, कल परसों इनके ध्यान दो ना, कलर सही नहीं दिख रही है। दस है भाई, दुग्गा हो कहीं ना कहीं, दिख नहीं रही हो, हिंदी में कमजोर हो तुम मीत के साथ साथ, हिंदी में मीत भी कमजोर है तुम्हारी तो भाई। ये महाकाल लोक है पूरा, जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं अभी भाई लोगों के साथ में। एक भाई हमसे थोड़ा अलग बैठा हुआ है, ज्यादा थक गया है, बहुत ज्यादा मेहनत करता भाई, थोड़ी मेहनत करता वाली, हम लोग वो चीज में है नहीं।
ये है यहाँ पे भाई, यहाँ से एंड हो रहा धीरे धीरे हम लोगों का पूरा महाकाल। हम लोग घूम चुके, महाकाल के दर्शन भी कर लिए हैं। ये है भाई, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं। और 10 दिन आपके भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, बहुत मजा आने वाला 10 दिन। ठंडा गर्म मीठा खट्टा सब मिलने वाला भाई। हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बहुत सही जगह प्लान कर रखी है ट्रिप में, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार और हाल देख रहे हो भाई, कल से हम लोग आएंगे। ट्रेन जस्ट अभी रुकी हुई है, ये सारे हम लोग बैठे हुए यहाँ पे, हमारे सारे दोस्त वगैरह आ चुके हैं। यहीं पे रुकते मिलते हम लोग जा रहे हैं भाई, वहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमारे साथ में आए हुए थे, मिलते हैं बहुत जल्दी सबसे। अभी आ रहे हैं हम लोग ऋषिकेश, यहाँ से ज़्यादा रुकने रहे डाई जाएंगे ऋषिकेश, वहाँ पे रुकेंगे, होटल वगैरह लेंगे, फिर कल की बस पकड़ के डाई जाएंगे केदारनाथ। तो मिलते हैं आप लोगों को ऋषिकेश में।